दो का गाहक हूँ लेकिन ब्रांडेड जगह, मिसाल के तौर पर ये अभी आपने कपड़े पहने हुए हैं ना, अगर ये जे डॉट पे या खाटी पे पड़ा होगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ टैग लगा होगा 8,000 इन्हें, तुम जाना पैसे देने से चक लेना। अब ये आप अनारकली में जाएगा ना, तुम कहना यार किन्ने जाने का 6,000 देना, 3,000 का कर दे यार, गल मुकती मुकाते 5 मुक जानी। ये होता ब्रांड का फर्क। अब नया फार्मर जो है ना वो ब्रांड नहीं है, मैं यही कहता हूँ ब्रांड बनाओ। अब मिन सेटस में हम काम करते हैं, अल्लाह जानता है ऐड लगाते हैं विद इन 2 डेज थक ख़त्म, और उसी रेट पे करते हैं जहाँ पे ब्रांड का रेट है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि यार ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है। अल्लाह जानता है कि हम लोग इतना इतना स्पेंड करते हैं सीमन पे, आपकी सोच है। हमारा फार्मर जब सीजन आता है ना, कम बेश 15 लाख रुपया सीमन पे स्पेंड करता है। तो बाद में जब आप इतना खर्चा सीमन पे करते हो ना, फिर नस्ल जो आती है उसका फ़र्क निकलता है, और ये हमने देखा है। हमने जो थर्ड जनरेशन में उनसे कमिट किया था, अल्लाह की ज़ात ने हमें वो सेकंड जनरेशन में ही दे दिया, ठीक है जी। ये फ़र्क होता है सर, आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आपकी चीज़ का रेट हो जाएगा। आपके फार्म पे, आपके किले पे बंदी गए, उसको आज जेके पे छोड़ दो, वो आज 9 लाख की बिक जाएगी, तो आटे को किसी ने 6 दिन नहीं लेना, बिल्कुल ऐसी ये हकीकत है। इस फर्क को समझें आप, जितना मर्जी पेट लें आप, बड़ी नस्ल है जी, ये है जी, वो है जी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। यार दूसरा हल क्या है? दूसरा हल है कि करके दिखाओ। करके दिखाना कैसे है? मैं कई फार्मर्स को ये तजवीज़ देता हूँ, मेरा अपना प्लान भी है। फार्म पे लोगों को बुला के 3 चवाइयाँ रिकॉर्ड करवा के लीटर का अपना दूध का रेट तय कर दो पैसों का, कि जी इतने 1,000 फी लीटर बेचो, लोग ले लें। लोग कहेंगे यार ये इसने हमें मैयर करके दिखा दी है तो कन्फर्म होने में दूध है। अगर 40 लीटर वाली दूध की गाय लेनी है, अगर आपको 9 लाख भरना पड़ भी जाए तो आपकी कैलकुलेशन